आज मैं आया हूँ कुवैत से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर सबाल अहमद सी सिटी है। वहाँ पर समंदर के किनारे किनारे रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं। रिजॉर्ट का भाड़ा है 700 दीनार 3 दिन के लिए। 700 दीनार कितना होता है? तकरीबन 2 लाख में कुछ पैसे कम, यानी 1,80,000 1,75,000 ऐसे। और एरिया देखो तो ये एरिया पानी दिख रहा है, इसी के किनारे किनारे ये लोग पूरे रिजॉर्ट बनाए हैं। ये जैसे ये बना है, बन रहा है, अभी काम शुरू है, ऐसे ये पानी के किनारे किनारे रिजॉर्ट बनाए हैं, यही भाड़े से देते हैं। लेकिन इसके पहले 15-20 किलोमीटर पहले जो बना है वो पूरा सिटी टाइप हो गया है, ये नया बना रहे हैं। जैसे कि एक ये बनाए हैं, ये देखो ये झोपड़ी टाइप बनाए हैं, माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ऐसे। बाकी यहाँ पूरा काम शुरू है। अब चलता हूँ मैं इस विला या रिजॉर्ट या अरबी में बोलते हैं साले, इसके अंदर और सारी चीजें डिटेल में दिखाता हूँ बारीकी के साथ। इसके अंदर 5 रूम है, मतलब 1,80,000-85,000 रुपए में 5 रूम, जो बड़े बड़े हैं फैमिली के साथ रहने के लिए। उसके बाद 2 रूम सबसे ऊपर टेरिस में हैं छोटे वाले, और 1 रूम नीचे है। तो यहाँ पे सारी चीजें मैं डिटेल में दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। जैसे ये किचन से थोड़ा सा आगे 2 टेबल है, 2 टेबल के ऊपर ये सारी चीजें रखी हैं। इनमें बावर्ची खाना बना के लगा देगा, फिर जिसको चाहिए वो अपना निकाल के खाएगा। अभी ये कांच के उस तरफ स्विमिंग पूल है, ये बड़े लोगों के लिए है, उसके बगल में छोटे बच्चों के लिए है। अब ये जैसे ये समंदर है, जो पानी है, पानी में नहा के बैठने उठने के लिए यहाँ पे कुर्सियां लगाई गई हैं, शाम में लोग अक्सर बैठते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये सिटिंग एरिया है, नीचे काफी सारे सोफा पड़े हैं। और यहाँ से किचन का थोड़ा सा व्यू दिखाते हुए मैं चलता हूँ आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। ये किचन में फ्रिज है और जो बेसिक चीजें रहती है वो सारी चीजें हैं। अब मैं रूम दिखाता हूँ। ये रूम है, ऐसे 5 रूम है बड़े वाले, उसके बाद 2 रूम अलग है, उसके बाद 1 रूम बड़ा सा नीचे है। ये अभी मैं जितनी चीजें दिखा रहा हूँ ये सारी रूम के अंदर की हैं, ये सिर्फ 1 रूम के अंदर की हैं। और ये हर रूम में ऐसी चीजें हैं, कुछ सजावट की चीजें और एक ग्लास और ये कबाट, मतलब अलमारी कपड़ा रखने के लिए। ऐसे ही बाहर भी काफी चीजें हैं, जैसे कि अब ये रूम से बाहर निकलेंगे ये ऊपर रूम है, और ये एक छोटा सा किचन ये ऊपर है पर्सनल, और नीचे एक बड़ा सा किचन अलग से है। उसके बाद मैं दूसरे रूम में चल के दिखाता हूँ। ये रूम है ऐसे, जैसे मैंने बताया ना 5 रूम है, और ये किंग साइज बेडरूम है, ये बड़ा वाला है, ये किंग साइज बेडरूम है। इसके विंडो से समंदर दिखेगा, अभी रात है इसलिए मैंने दिखाया नहीं, लेकिन इसके विंडो से समंदर दिखेगा, बहुत खतरनाक बहुत खूबसूरत व्यू आएगा। अब मैं नीचे चलता हूँ, नीचे चल के रात की चीजें दिखाता हूँ क्योंकि अभी हो चुकी है रात। अब ये मैं छत से पहले व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। छत से ऐसा दिखता है, ये सबसे ऊपर हूँ मैं छत में, 3rd फ्लोर में, यहाँ से ऐसा दिखता है। उसके बाद और नीचे चल के कुछ चीजें दिखाता हूँ। मुझे सीढ़ियाँ बहुत प्यारी लगी हैं, मतलब ये विला की सीढ़ियाँ बहुत अच्छी लगी मुझे देखने में, काफी खूबसूरत बनाया है। और रात में मैं यहाँ बैठा था समंदर के किनारे, वो जो कुर्सियां लगी हैं लेटने वाली उनमें बैठा था मैं काफी देर, और अच्छा लगा, मतलब सन्नाटा, समंदर का किनारा, काफी अच्छी फीलिंग आ रही थी। अभी मैं पानी के अंदर हूँ और पानी के अंदर से ये पीछे साइड का दिखा रहा हूँ, ऐसा दिखता है ये विला। और अब खाने का इंतजाम है, खाने का इंतजाम दिखाता हूँ। ये खाने का इंतजाम है, ये लोग मिस्र के लोग आए हैं, 3 लोग बनाने वाले और 1 रोटी बनाने वाला अलग से है, तो ये लोग खाना बनाएंगे। सारी चीजें ये सब कुछ लेके आए हैं, इनको बस पैसा पेड कर दो, ये गाड़ी में आएंगे, पूरा सामान कोयला लकड़ी लोहा सारी चीजें इनकी रहेंगी, और ये बना के हमको खाली रेडी करके देंगे। और ये सारी चीजें ये सब कुछ यही लेके आए, पूरे खाने का इंतजाम तंदूर तक लेके आए। जैसे बड़ी वाली रोटी चाहिए किसी को तो उसके लिए तंदूर भी लेके आए ये लोग, मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ, वो तंदूर भी है इनके पास। साले रिजॉर्ट कुवैत में ये है भाई साहब, ये रोटी बना रहे हैं, अभी दिखाऊंगा मैं, ये देखो ये रोटी बना रहा है। तो बस मैंने ये दिखाया कि ये 1,80,000-85,000 में जो विला मिलता है वो कैसा होता है। तो ये कुवैत है भाई, यहाँ पैसे वाले लोग हैं, ऐसा ही इनकी जिंदगी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।